लाइफ शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा जी। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के सतलुज क्लब पे, जहां पे रसोई क्वीन का एक कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं कुछ लेडीज से जो यहां पे अपनी कुकिंग की क्रिएशन को लेकर आई हैं। तो देखते हैं, जानते हैं उन्होंने आज यहाँ पर क्या क्या बनाया है, तो किस लेवल पर वो यहाँ पर रसोई क्वीन बनेंगी। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए कि दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर पार्टिसिपेटिंग। यस मैम। आई एम, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट, आई एम एक्साइटेड एंड आई एम डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज। यस, चलिए मेंशन कर दीजिए। हम अपने कैमरा मैन से प्लीज चाहेंगे कि आप दिखाइए कि इन्होंने क्या बनाया है, और मैम आप प्लीज मेंशन कीजिए कि मैम टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड वड़ा, सांभर वड़ा विद कोकोनट चटनी एंड गुलाब जामुन फ्लेवर्ड केक। यस मैम। मैम वड़ा तो हम जैसे कहते हैं कि कॉमन है, हम सब अपने घरों में बनाते हैं, तो व्हाट्स डिफरेंट इन दैट? आपने क्या फ्लेवर्स यूज किए? बीटरूट की फ्लेवरिंग डाली है, फेनुग्रिक सीड्स की फ्लेवरिंग डाली है, कोरिएंडर लीव्स, तो उससे उसका टेस्ट डिफरेंट है। और जो गुलाब जामुन केक है उसकी हर लेयर में गुलाब जामुन, और प्रॉपरली प्रॉपर आप खा के बोलोगे कि हाँ गुलाब जामुन ही खाया है फ्लेवर्ड केक। Okay, तो कैसे आइडिया आपके माइंड में आया कि गुलाब जामुन का केक? बेसिकली मैम आई एम यहाँ पे, मैं यही दिखाना चाहती थी, द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट इन इंडिया, सो गुलाब जामुन ऐसा डिजर्ट है जो हम हर फेस्टिवल पे खाते हैं, तो व्हाट वी कैन डू न्यू विद दैट, सो आई हैव क्रिएटेड समथिंग। आई लव बेकिंग केक्स, सो ये मेरा एक न्यू इनोवेशन था। वेरी गुड। तो डू यू फील नर्वस कि अब थोड़ी देर में रिजल्ट्स आएंगे? बेसिकली मैम आई एम नर्वस ऑल्सो, बट आई हैव टेस्टेड माई प्रोडक्ट, ये मैंने थर्ड फोर्थ टाइम यहाँ पे लाने से पहले, सो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई डिजर्ट। जिसने भी अभी तक टेस्ट किया, बिकॉज हमें लग रहा है कि काफ़ी बाइट्स लोगों ने टेस्ट किए हैं, तो कैसे अप्रिशिएट किया उन्होंने आपको? दे आर लाइक, बोलने की ज़रूरत नहीं है, केक अपने लिए बोल रहा है, बिकॉज फ्लेवर पूरा आ रहा है, यू डोंट नीड टू स्पीक अबाउट दैट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ और लेडीज़ के पास, और जानते हैं कि वो आज यहाँ पे क्या इनोवेटिव लेकर आए हैं किचन क्वीन बनने के लिए। हेलो मैम, हाउ आर यू? हेलो, व्हाट्स योर नेम? ज्योति चावला। मैम ये आपका फर्स्ट टाइम है, यू आर पार्टिसिपेटिंग? या आई एम फर्स्ट, इट्स माय फर्स्ट टाइम। आर यू नर्वस? नॉट नाउ। तो मैम प्लीज़ अब मेंशन कर दीजिए कि आपने क्या बनाया है। मैंने मलाई कोफ्ता बनाया है और स्टफ्ड शाही टुकड़ा बनाया है। एक चीज़ हमें बताइए, मलाई कोफ्ता तो हम कहते हैं ना हर घर में हम बनाती हैं नॉर्मली लेडीज़, तो इसमें स्पेशली कौन से फ्लेवर्स यूज़ किए आपने? इसमें मैंने एक्चुअली फ्लेवर एक्स्ट्रा और नहीं किया, लेकिन बस विचे से विदाउट अनियन गार्लिक बनाया है मैंने। विदाउट अनियन एंड गार्लिक? विदाउट अनियन गार्लिक। तो देखिए मैम ने कितना क्रिएटिव आइडिया यूज़ किया कि आज हम देख सकते हैं अनियन के रेट्स बहुत हाई हो चुके हैं। तो मैम की टेबल पर आप देखिए ये विदाउट अनियन मलाई कोफ्ता कैसे मैम ने बनाया है। इट्स ए नॉर्मल रेसिपी, बट इसमें अनियन बिल्कुल नहीं है, गार्लिक नहीं है, इसे टमाटो प्यूरी और कैशियो नट प्यूरी, बाकी जिंजर ग्रीन चिलीज के साथ मसाला बना के सब, बाकी पूरा रेसिपीज है। जिसने भी अभी टेस्ट किया है तो कैसे अप्रिशिएट किया आप? नहीं, उन्होंने सबने सबसे पहले तो यही कहा कि भी विदाउट अनियन बनना है, ये बेस्ट थिंग है आपकी, बाकी टेस्ट वाइज क्रीमी है, टेस्टी है, उनको सबको यही अच्छा लगा। मैम अपना टाइम हमें देने के लिए, तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या क्रिएटिव इनोवेटिव सी कुकिंग आइटम्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? यस मैम, आई एम गुड। मैम बता दीजिए फिर आपने क्या बनाया। हमें स्टफ्ड कैप्सिकम देखने को मिल रही है, कैप्सिकम विद नान एंड तड़का कर्ड एंड रोज कटोरीज, पान कटोरीज, तड़का कर्ड। तो इसमें आपने किस चीज़ की फिलिंग दी है बेसिकली? स्टफ्ड कैप्सिकम में मैंने मैम वेजीज, ब्रोकली, कॉर्न, यस कैप्सिकम एंड पनीर उसकी, यस। और जो तड़का कर्ड है उसमें क्या यूज़ किया है वो भी प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। यस, टोमेटोज, अनियन, मस्टर्ड सीड एंड कड़ी पत्ता। किचन क्वीन बनने के लिए क्या आपने ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया? यस आई एम पार्टिसिपेटिंग इन फर्स्ट टाइम। कुछ नर्वसनेस थी आपको? नो, वेरी कॉन्फिडेंट यू आर? यस, वेरी कॉन्फिडेंट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट्स।
तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ कुछ लेडीज जो यहाँ पे किचन क्वीन बनने के सपने लेकर आई हैं। बहुत अच्छी अच्छी डिशेस उन्होंने बनाई हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके, और हमने भी देखा कि लेडीज में कितनी आर्ट है। और विदाउट अनियन भी हमें यहाँ पे देखा कि जैसे अनियन के प्राइजेस बहुत हाई होते जा रहे हैं, तो विदाउट अनियन कैसे डिशेज प्रिपेयर की जा सकती हैं वेरी इजिली इन वेरी इनोवेटिव वे में। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज कनुप्रिया कौड़ा। हम यहाँ पे सतलुज क्लब में इकट्ठे हुए हैं। रसोई क्वीन का हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है। ये हमारा फोर्थ सीजन है जो कि कोवे के थ्रू करा गया है। बेसिकली हमारा मोटिव ये था कि जो हमारी होम कुक्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो बाहर आकर एक अपनी टैलेंट को प्रेजेंट कर पाएँ। हमारा मेन मोटिव हमेशा यही रहा है, और हम इसी प्लेटफॉर्म, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को कि वो आए आगे और अपना टैलेंट डिस्प्ले करें। एंड होपफुली वो कभी जब वो जीत जाते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म जो मिला है उसके थ्रू वो एक अचीवमेंट लेके जाते हैं यहाँ से। एक चीज़ हमें बताइए कि लुधियाना में तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत फूडी हैं, उनको तो डेली होता है कि होटल्स में जाके ट्राई करना है, तो यहाँ आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि लेडीज़ घर में रह के इनोवेटिव तरीके से कैसे कुकिंग कर सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सीजन्स ऑर्गेनाइज करवाने के बाद कहीं ना कहीं लेडीज बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी कि घर में हम कितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा कुकिंग कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमने तो देखा है बहुत सारी लेडीज़ को जो पहले बहुत सिंपल थी, लेकिन अब उनकी डिशेस देखो, हमने ओवर द ईयर्स देखा है उनकी डिशेस में इतनी ज़्यादा इनोवेशन और उनकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा डिफरेंट होने लग गई है, और हमें कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील होता है। स्पेशली ये जो इनिशिएटिव है, ये मेरी मम्मा शेफ़ नीलू कौड़ा का इनिशिएटिव है, और उन्होंने जब वो खुद एक प्लेटफॉर्म ऐसे छोटे से प्लेटफॉर्म से निकल के इतने बड़े शेफ़ बन गए हैं, तो वो चाहते हैं कि वो सबको ऐसा प्लेटफॉर्म दें। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ कि वो आगे आते हैं और सबको इतना मोटिवेट करते हैं, और ये हमारा ये ऐसे प्रोग्राम हम सक्सेसफुली कर पाते हैं। मैम, जब आपने एक राउंड लगाया होगा, आपने डिशेस टेस्ट भी की होंगी ऑब्वियसली, तो कैसे लगा? बहुत ही बढ़िया। लोगों ने, हमारा जो मेन मोटिव था वो था, हमारा जो थीम था वो था इंडियन वेजिटेरियन खाना हम प्रेजेंट करें, ऑथेंटिक इंडियन वेजिटेरियन आई वुड से। तो मैंने देखा लोगों ने मक्की की रोटी और सरसों के साग को भी इतना अच्छे से प्रेजेंट किया कि मन करता है कि भाई उसे देखते ही रहो और खाने को हम उसे छेड़े ना बिल्कुल भी। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, और काफ़ी अच्छी चीज़ें, बाजरे की उन्होंने खीर बनाई है किसी ने, मतलब नॉर्मल हमारे घर की चीज़ों से ही उन्होंने, किसी ने पालक पनीर को इटालियन स्टाइल में प्रेजेंट किया, विच इज़ एक्चुअली ऑथेंटिक थिंग, बट दे आर प्रेजेंटिंग इन इट अ डिफरेंट वे। दैट्स रियली नाइस, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीबॉडी। दे आर ऑल विनर्स इन देयर ओन वेज। डू यू वॉन्ट टू गिव एनी मैसेज टू लुधियानवीज? फूडी लुधियानवीज, दैट वुड बी अ बेटर टर्म। मैं यही कहूँगी सबसे कि आप आगे आइए। आप में बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनमें टैलेंट है, जिन्हें लगता है वो कुछ कर सकती हैं, पर वो आगे आने से झिझकती हैं। ज़रूर आगे आइए, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। मिनिमल फीस होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हम इतने ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं कि आप यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। ज़रूर बाहर आइए और अपने टैलेंट को डिस्प्ले कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं मोस्ट गॉर्जियस डिवा मिसेस पंजाब, मिसेस पर्लप्रीत से। हेलो मैम। तो मैम, आप बताइए कि आप यहाँ पे इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे, तो कि जो यहाँ पे आज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज इवेंट है रसोई क्वीन। मुझे लगता है कि हर फीमेल के अंदर, जैसे आजकल मैं यही प्रमोट कर रही हूँ कि हर फीमेल के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, मेड भी, चाहे कुकिंग है, डांसिंग है, किसी भी फॉर्म में है। घर से बाहर निकल के अपने आप को रिप्रेजेंट करने का ऐसे चांसेस आजकल अवेलेबल हैं, एंड आई फील सो लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो कि सबको, लाइक आप देख रहे हो सारे कितना इंटरेस्टिंग वे से इतने अच्छे अच्छे सेशंस भी रखवाए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अबाउट रसोई मिल रही है, जो घर में उनका कुकिंग का ही टैलेंट है वो भी बाहर निकल के आ रहा है। हर फीमेल को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, बिकॉज आजकल सोसाइटी में एक फीमेल की रिकग्नाइजेशन के लिए वी आर प्रमोटिंग एंड वी आर I am contributing into it, so I feel so lucky to be part of this show. One thing we want to ask you, being as a doctor, personally, are you fond of cooking?
No. I love to eat, but I don't like to cook. I'm not good at cooking actually. But yeah, जब लोग ऐसी अच्छी अच्छी dishes बनाते हैं और healthy बनाते हैं, I always promote them. I always love it. तो I feel lucky to be part of it. Thank you so much, ma'am, for giving us your precious time. तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ जो यहाँ पे contest organize करवाया गया है Kitchen Queen, उनके organizers. तो उन्होंने share किया कि घर में रह के किस तरीके से ladies बहुत ही innovative तरीके से preparation कर सकती हैं, किसी भी डिश को वो मोल्ड करके बहुत ही प्रेजेंटेबल बना सकती हैं. होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ उन सब लेडीज से मिलके. थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरेजा, टाइम्स पंजाब टीवी.